उज्जैन कर्मण्य कृष्ण सेवा समिति के तत्वावधान में 9 दिवसीय श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा का वाचन राष्ट्रीय संत स्वामी घनश्याम दास जी महाराज मानस सम्राट के मुखारबिंद से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। करूंगा, चलो कल भर ही तो है, कल से तो आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, कल भर। समिति अध्यक्ष मिथिलेश राधा दीदी गुप्ता ने बताया कि मुख्य यजमान राजस्थान के संतोष कुमार मीणा देवी गोयल ने श्री राम कथा का आयोजन किया है। आयोजन नीलगंगा स्थित हनुमान मंदिर गार्डन में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चल रहा है। कथा के 8वें दिन बुधवार को भगवान श्री राम का वन गमन, चित्रकूट में राम निवास, भरत मिलाप, अयोध्या में भगवान श्री राम के चरण पादुका को सिंहासन पर रखने का प्रसंग का वर्णन किया गया। कार्यक्रम में अयोध्या से पधारे अमरदास जी महाराज, प्रदेश महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन उज्जैन कुलपति धारिया, मीडिया प्रभारी राजीव बन्ना, योगेश मीणा आदि ने आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जयसिंह दरबार, राजेंद्र उपाध्याय, नवल किशोर मिश्रा, मीडिया प्रभारी राजवीर बन्ना, कलावती यादव, उर्मिला शर्मा, शारदा राय, शकुंतला दुबे, दयाशंकर गुप्ता आदि उपस्थित थे। समिति ने धर्मालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। महाराज के मुखारबिंद से यहाँ पर श्री राम कथा ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री कर्मण्य श्री कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष राधा दीदी मिथिलेश गुप्ता के निर्देशन में समस्त महिलाएं प्रतिदिन यहाँ पर कथा का श्रवण करती है। कर्मण्य के सेवा समिति के तत्वधान में श्री राम कथा का ज्ञान गंगा बह रही है, निरंतर 5 सालों से बह रही है और कल 9 दिवसीय समापन है। नीलगंगा क्षेत्र में कल समापन है, 10 बजे हवन है, उसके बाद में कथा श्रवण की जाएगी, उसके बाद में फिर पूर्णावती करके राम जी को